Hello everyone. Today we are going to start a new lesson. Okay, that is the importance of ocean. You know that we are having so many advantages of the oceans. Okay, so today we are going to introduce the importance of the oceans. Okay, so let us start. The hydrosphere includes all the water bodies that exist on the earth. को पता हाइड्रोस्फीयर ऐसा हिस्सा अर्थ का जो पानी से कवर्ड है दैट इज कॉल्ड एज द हाइड्रोस्फीयर ओके सो दिस कवर्स ऑल द ओशियंस सीज रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज ट्रिब्यूटरीज यू नोस दैट ओके द बायफर्केशन ऑफ द रिवर्स यानी जो बहुत सारी नदियां ठीक है एक नदी से बहुत सारी वो जो डाइवर्ट हो जाती है ठीक है तो हम उसे बोलेंगे हम ट्रिब्यूटरीज ओके सो ऑल द ओशियंस सीज rivers and their tributaries lakes reservoirs and also the groundwater okay these all covers these are the water bodies okay so of the total global waters 97.7% is contained in the ocean yani hamare earth pe agar 100% pani jo hai theek hai 100% mein se 97.7% जो है वो पानी ओशन में है और रिमेनिंग जो 2.93% जो वाटर है वो फ्रेश वाटर है जो हम पीने के लिए यूज कर सकते हैं ओके हियर सम नेम ऑफ द ओशंस यू नो दैट देर आर 5 ओशंस इन द वर्ल्ड ओके एंड देयर एरिया इज रिटन हियर ऑन पेज नंबर 35 जस्ट गो थ्रू सी okay first one is the Pacific Ocean okay see the area 166 crore 2,40,977 if you will talk about the Atlantic Ocean then it's 86 crore 5,57,402 then after the Indian Ocean okay it's 73 crore 4,26,163 its area okay area in square kilometer Minute is also given. Now, if we talk about the Southern Ocean, okay, its area is 20,03,27,000. Then Arctic Ocean, 13,02,24,417. Okay, here the area of the oceans, 5 oceans have been given. Okay, we always see the living world around us. There is a considerable diversity in the living world on the land. The living world in the hydrosphere is many times greater than the living world on the land, and it has a much greater diversity. अब देखो आपको पता है लैंड पे हम लोग रहते हैं ठीक है वी आर द टेरेस्ट्रियल ओके जो जमीन पे रहते हैं उन लोगों को क्या बोलते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल यानी जो जमीन पे रहने वाले हैं वो टेरेस्ट्रियल पानी में रहने वाले एक्वेटिक ठीक है और जो पानी में एज वेल एज लैंड में रहते हैं उसे बोलेंगे हम एम्फीबियंस तो रेप्टाइल्स भी है जो रेंगते हैं जो जानवर जस्ट लाइक लिजार्ड्स जो रेंगते हैं उसे हम बोलेंगे रेप्टाइल्स बर्ड्स यू नो दैट जो स्काई में फ्लाई करते हैं दैट आर द बर्ड्स ये सारी कैटेगरीज है हमको उससे लेना देना नहीं है लेकिन ये देख लो कि हमारे लैंड पे जो वराइटी है उससे ज्यादा वराइटी आपको कहाँ मिलेंगी एक्वेटिक पानी में मिलेंगी ओके बहुत सारी डाइवर्सिटी छोटे छोटे फिशेस से लेकर बड़े कार्निवोर फिशेस तक के ऑक्टोपस ये बहुत सारी वैरायटी आपको पानी में यानी ओशंस में देखने के लिए मिलेगी ओके यहाँ पे आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है इन्होंने बोला है कि डू इट बाय योरसेल्फ में ओके टेक सम वाटर इन अ स्टील डिश एक स्टील वाली डिश लो ओके वहां पे जो है थोड़ा सा पानी पोर कर इट इज बेटर इफ द वॉटर इज फ्रॉम द बोरवेल बोरवेल से जो अगर पानी आप लेते होंगे तो ये बहुत अच्छा सैंपल है ये सैंपल लेना है मोस्ट ऑफ द हो सके तो इफ द वॉटर इन अ डायरेक्ट सनलाइट डू नॉट रिमूव द डिश अंटिल ऑल द वॉटर गेट्स इवेपोरेट ऊपर जाके रख दो वो प्लेट जब तक कि उसका पूरा पानी जो है वो ड्राई नहीं हो जाता है तो प्लेट पे ऐसा व्हाइटिश कलर आपको दिखाई देता है दैट इज नथिंग बट द सॉल्ट यानी पानी में सॉल्ट होता है अगर यही आप ओशन का पानी या एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करो पानी लो पानी में बहुत सारा नमक डालो और वो जो सॉल्ट है आप वो जो सॉल्ट से भरा पानी है
उसके जो डिश है वो आप ऊपर रखो जहां पे सनलाइट डायरेक्टली गिरता है आपके ऊपर, यानी स्लैब के ऊपर रख सकते हो, ठीक है ना। और कुछ दिन के बाद ऑब्जर्व करो तो वो प्लेट्स के ऊपर वो व्हाइट कलर की जो परत आएंगे दैट इज नथिंग बट डिसऑर्डर। ओके, देयर इज अबंडेंट एक्वेटिक लाइफ इन द ओशन फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक प्लैंक्टन टू ह्यूज व्हेल्स, जस्ट नॉट टोल्ड यू, छोटे से छोटे माइक्रोस्कोपिक यानी जो सिर्फ माइक्रोस्कोप से दिख सकते हैं, ऐसे जैसे अपने वायरस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, वी कैनॉट सी इट बाय द नेकेड आई, ओके, बट वी कैन सी देम विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप। वायरस तो इतने छोटे होते हैं साइज में, नैनोज में होते हैं कि उसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं, तो उसको हम जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, ठीक है। तो इतने छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक प्लैंक्टन्स से लेकर ह्यूज व्हेल्स तक के आपको यहाँ पे ओशंस में वैरायटी दिखती है, ओके। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर फाउंड इन द ओशंस, वंस दे डाई देयर रिमेन्स एक्युमुलेट इन द ओशन। एक बार अगर वो मर जाते हैं तो पता है वो डेड बॉडी कहाँ जाएंगे। हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ कभी डेथ होती है तो वो बॉडीज को जलाया जाता है या फिर सॉइल में जो है उसको डिग करके दफन किया जाता है, ठीक है। या फिर जो वल्चर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से किसी के डेड बॉडीज, अगर ये कुत्ते वगैरह, अगर ये डॉग्स वगैरह जो स्ट्रीट डॉग्स है उनकी डेथ हो जाती है, पिग्स वगैरह है उनकी डेथ हो जाती है, तो स्मेल आने लगती है, यानी वो बॉडी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करती है। अगर वल्चर वगैरह है तो उसकी कौवा, अगर क्रो है तो वो क्या करता है उसको खा लेता है बॉडी को, और रिमेनिंग जो बचता है फिर वो जमीन के अंदर चला जाता है। तो जब ये जो एक्वेटिक एनिमल्स इनके डेथ हो जाती है तो वो सेटल डाउन हो जाते हैं कहाँ पे, सी बेड में नीचे, और वहां पे वो डिग्रेडेड होने लगते हैं, डिकम्पोज होने लगते हैं। ऑल रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम द माउंटेन्स और हिली एरियाज फाइनली मिट द ओशन। जितनी भी रिवर्स है आपने देखा होगा कि जितने भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हो, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हो, ठीक है, ये जाके सी में ही मिलती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल गंगा है ना, ये जो है ये जो जितनी भी सीज है, एक तो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में जाके मिलेंगी, एंड द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल आर नथिंग बट द ओशंस, दीज आर द एक्सटेंशन ऑफ द इंडियन ओशन, ठीक है। यानी जितनी भी रिवर्स है ये फाइनली जाके कहाँ मिलती है, ओशंस में मिलती है, ओके। सो सेडिमेंट्स फ्रॉम द इरोडेड लैंड्स, ट्रीज एंड बुशेस फ्लोइंग विथ द वॉटर, डेड रिमेन्स एक्सेट्रा एंटर द ओशन विद दिस रिवर वाटर। और जितने भी फिर अभी जो अपने रिवर्स अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आते, सपोज वो माउंटेन से बहती है तो माउंटेन्स के साथ साथ कुछ छोटे 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 पेबल्स हो गए, टुकड़े हो गए, थोड़ी सी मिट्टी हो गई, वो सारा मटेरियल अपने साथ लेके आएगी, ठीक है। और ये सारा जो भी सेडिमेंट्स है वो ओशन पानी के साथ साथ कहाँ चला जाएगा, ओशन में चला जाएगा, ओके। इन बोथ द अबाउट प्रोसेस द डेड रिमेन्स डिकम्पोज releasing various minerals and salt in the ocean. अभी क्या होता है कि ये जो ट्रीज है अपने साथ कुछ इरोड लैंड लेके आती है, कुछ ट्रीज लेके आती है, कुछ बुशेस लेके आती है, और तो कुछ डेड रिमेन्स लेके आती है, तो ये सारा नीचे जाके क्या हो जाता है, ओशन में जाके सेटल डाउन होता है और डिकम्पोज होता है, उससे बनते हैं minerals and salt in the ocean water. और उससे जो है salt और minerals जो है वो ocean water में प्रोड्यूस होने लगते हैं, ठीक है। वोल्केनिक इरप्शन अकॉर ऑन द लैंड, आपको पता है वोल्केनिक इरप्शन क्या होता है, जो लावा होता है जमीन से जब निकलता है, ठीक है, तो वो फटता है और ऊपर आता है जमीन के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ लावा। देख ये ऐसे चेंबर और यहाँ से फिर एशेज निकलती है गरम गरम, ठीक है, लावा निकलता है। जब वो लावा ठंडा हो जाता है, कूल डाउन होता है, तो उससे रॉक्स बनते हैं, ठीक है। सो ड्यू टू द वोल्केनिक इरप्शन डिफरेंट मिनरल्स एशेज सॉल्ट गैसेस आर एडेड टू द वॉटर। और इससे भी ये भी सारी जो निकलती है, एशेज निकलती है, गैसेस निकलती है, या फिर जो भी मटेरियल निकलता है यहाँ से इरोडेड, ठीक है, वो भी सारा जाके कहाँ मिल जाता है, ओशनिक वाटर में जाके मिल जाता है, ओके।
एंड दिस इंक्रीज द लेवल ऑफ सॉल्ट एंड मिनरल्स इन द ओशन वाटर. देखो कितने सारे वेव से जो है ओशन में सॉल्ट जो है वो एड होते जाता है. पहले तो रिवर से आया, ठीक है, उसके बाद वोल्केनिक इरप्शन से भी एड होते हैं मिनरल्स एंड सॉल्ट ओशन वाटर में. ड्यू टू कंटिन्यूअस इवेपोरेशन ऑफ द ओशनिक वाटर द प्रोपोर्शन ऑफ द सॉल्ट इंक्रीजेस एंड ऑल दीज थिंग्स मेक्स द वाटर सॉल्ट. इसके वजह से क्या होता है, पानी तो इवेपोरेट हो जाए, फिर नीचे क्या बचता है, सॉल्ट. वी हैव सीन द एग्जांपल, ठीक है, उसी वैसे ओशनिक वाटर का भी वैसे होता है. पानी अगर ऊपर का चला जाएगा, वाटर तो इवेपोरेट होता है, बचता क्या है नीचे, सॉल्ट. इसीलिए जो सी वाटर होता है वो सॉल्टी होता है. ओके, तो सैलिनिटी इज एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ मिल्स और पार्टिकल्स पर थाउजेंड. देखो हम सैलिनिटी अगर लिखते हैं ना, तो सैलिनिटी हम ऐसे लिखते हैं. पार्टिकल्स पर थाउजेंड भी बोल सकते हैं या पर मिली भी बोल सकते हैं. इट इज कॉल्ड एज द पर मिली और पार्टिकल्स पर थाउजेंड. ओके, तो दिस इज द यूनिट ऑफ सैलिनिटी. Okay, and the Dead Sea is known to have the maximum salinity. Its salinity is 332 parts or per million, parts per thousand or per million. अब अगर हम Dead Sea की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो, अगर कोई इंसान गिरता है ना तो वो कभी डूबेगा नहीं, वो तैरता है, क्योंकि इसकी डेंसिटी इतनी बड़ी है इस ओशन की कि ह्यूमन बॉडी भी उसमें जो है डूब नहीं सकती. बिकॉज दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द हाई सैलिनिटी, दैट इज द 332 पर मिली. ओके, सो टुडे वी विल एंड नाउ दिस टॉपिक. ओके, एंड अगेन वी विल मीट विद द न्यू टॉपिक ऑफ द सेम लेसन. टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे यू ऑल.